In second class, I am Parveen from Happy Cambridge School, your EVS teacher. Student, UT में हमारा EVS में lesson 11, 12 और 13 ये chapter आ रहे हैं. आज मैं आपको एक बार फिर lesson 11 की book work revise करवा रही हूँ. सभी बच्चों ने इसे revise करना है. पेज नंबर 51 पर आ जाइए. लेसन नेम है आपका माई नेबरहुड. पेज 51 पर आइए बच्चे सभी. आई होप सभी ने ये पेज फिल किया होगा, इसे लर्न भी करना है. ए पार्ट देखिए, आंसर इन वन वर्ड. वन वर्ड में आपको आंसर देना है. राइट द नेम ऑफ योर टू नेबर्स. आपको अपने कोई भी दो पड़ोसियों के नेम बताने हैं. जैसे कि आपके पड़ोस में कोई मिस्टर शर्मा रहते हैं, मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता, ठीक है. ऐसे आप किसी के भी आप नाम लिख सकते हैं. मैंने ये वाला ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि ये सबका आपका अपना सबका अलग अलग होगा, ठीक है. आपने अपने आप फिल करना है. सेकंड पार्ट देखिए, आर दे योर गुड नेबर. क्या आप एक अच्छे पड़ोसी हैं? तो यस, वाई ई एस, यस. बी पार्ट पर आइए, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको फिल करने हैं अपने, और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, हेल्पफुल, नेबरहुड, इनक्लेव्स, फ्रेंड्स. हेल्पफुल का मीनिंग आप जानते हो, मददगार यानी सहायक, यानी सहायता करने वाले. नेबरहुड पड़ोस. इनक्लेव्स, इनक्लेव्स होता है कॉलोनीज. ई एन सी एल ए वी ई एस, इनक्लेव्स कॉलोनीज. फ्रेंड्स, फ्रेंड्स दोस्त या मित्र कुछ भी कह सकते हैं आप. फर्स्ट देखिए, पीपल लिव इन कॉलोनीज एंड डैश. लोग रहते हैं कॉलोनीज, मोहल्ले और इनक्लेव्स. तो यहाँ आपका आएगा इनक्लेव्स, ई एन सी एल ए वी ई एस. इनक्लेव्स में बेटा कुछ फ्लैट फ्लैट टाइप बने हुए होते हैं. जैसे कि आपने तारक मेहता वाला सीरियल में देखा होगा, गोकुल धाम सोसाइटी है, ठीक है. इस तरह के जो सोसाइटी या अपार्टमेंट्स बने होते हैं, हम उनको इनक्लेव्स भी कहते हैं, ठीक है. तो पीपल लिव इन कॉलोनीज एंड इनक्लेव्स. सेकेंड है, वी शुड बी पोलाइट एंड डैश टू आवर नेबर्स. वी शुड, हमें चाहिए बी पोलाइट. पोलाइट मीन्स पी ओ एल आई टी ई. पोलाइट मीन्स नर्म यानी विनम्र, प्यार से बात करने वाले. एंड डैश टू आवर नेबर्स, और कैसे होने चाहिए? हेल्पफुल. इसमें आपका आएगा हेल्पफुल, एच ई एल पी एफ यू एल, हेल्पफुल यानी मददगार. तो हमें कैसा होने चाहिए अपने पड़ोसियों के साथ? हमें उनसे प्यार से बात करने वाले, विनम्र स्वभाव वाले और हेल्प करने वाले होने चाहिए. थर्ड है आपका, द एरिया अराउंड आवर हाउसेस मेक्स अप अ एरिया. वो जगह, क्षेत्र, हमारे घर के आसपास की जो जगह होती है, वो हमें, वो क्या बनाती है? मेक्स अप अ नेबरहुड. हमारे आस पड़ोस में जो घर हैं, आसपास जो घर हैं, शॉप्स हैं, ये क्या है? सारी हमारी नेबरहुड यानी हमारा पड़ोस है. एन ई आई जी एच बी ओ यू आर एच डबल ओ डी, नेबरहुड पड़ोस. द एरिया अराउंड आवर हाउसेस मेक्स अप अ नेबरहुड. फोर्थ में है, आई हैव मैनी डैश इन माई नेबरहुड. मेरे पास बहुत सारे हैं मेरे पड़ोस में. कौन हो सकते हैं? फ्रेंड्स, एफ आर आई ई एन डी एस. मेरे कई मित्र हैं मेरे पड़ोस में. तो इसमें फोर्थ में फ्रेंड्स आएगा. फर्स्ट में इनक्लेव्स, सेकंड में हेल्पफुल, थर्ड में नेबरहुड एंड फोर्थ में फ्रेंड्स. सी पार्ट पर आइए, टिक राइट द राइट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग वन. जो स्टेटमेंट राइट है उस पर आप राइट क्लिक करेंगे, और जो रॉन्ग है उस पर आपने रॉन्ग क्रॉस का साइन करना है. फर्स्ट है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज. यहाँ कई प्रकार के अलग अलग
डिफरेंट मीन्स अलग अलग प्रकार के परिवार हैं। तो इज़ अ राइट और रॉन्ग? आप देखिए, आपके पड़ोस में कुछ हैं जो आंटी अंकल जी हैं, दोनों ही वर्किंग होंगे, ठीक है, और उनके दो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी होंगी जिसमें दादी जी, दादा जी, ताई ताया जी और कई सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। उस घर के सिर्फ मैन ही जॉब पर जा रहे हैं, मम्मी नहीं जाती हैं, ठीक है। कुछ फैमिलीज ऐसी होंगी कि जिसमें पापा जॉब पर जाते हैं, मम्मी घर में रहती हैं और तीन या चार बहन भाई हैं, जॉइंट बिग फैमिलीज हैं, ठीक है ना। तो कहीं जॉइंट फैमिली है, कहीं बिग फैमिली है, कहीं वर्किंग फैमिलीज हैं। तो इस तरह की जो है सभी में डिफरेंट है, सब कुछ, सब अलग अलग तरह के परिवार हैं। तो हर आस पड़ोस में इसी तरीके की फैमिलीज होती हैं। सब जगह एक जैसे ही नहीं लोग रहते कि हर घर में सिर्फ चार ही लोग रहेंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। अलग अलग फैमिलीज होती हैं। तो इट्स राइट। यहाँ क्वेश्चन किया गया है नंबर टू पर, ऑल द पीपल हैव जॉइंट फैमिलीज। जितने भी लोग रहते हैं वो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, यानी दादा दादी और बड़े बड़े परिवार रहते हैं। इट्स रॉन्ग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ आपने रॉन्ग फिल करना है। तो बच्चों, ये आपको ए और बी पार्ट और सी पार्ट, तीनों पार्ट आपने पेज नंबर 51 पर अच्छी तरह रिवाइज करने हैं, और कल लाइव क्लासेस में मैंने इसका टेस्ट लेना है। बाय, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।